जगत के लोग करते इंतजार बहन जी, हर तुम्हें चलाओ देश की सरकार। हमको फिर से हमारा वतन चाहिए और लहलहाता हुआ वो चमन चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगी सर कटाएंगे हम, शर्त ये है कि नीला कफन चाहिए। आधियों से उनकी बहार छीन लो, मांगने से मिले ना वो अधिकार छीन लो। खतरे में पड़ गया है स्वाभिमान देश का, उनके हाथ से तलवार खींच लो। अंबेडकर नगर है और अंबेडकर नगर की सबसे बड़ी पहचान खुद मायावती हैं। बतौर मुख्यमंत्री मायावती ने अंबेडकर नगर को जिला बनाया, अंबेडकर नगर को मेडिकल कॉलेज दिया और आज जो कुछ अंबेडकर नगर में दिखता है कहा जाता है कि ये सब मायावती की देन है। लेकिन सपा बसपा गठबंधन को देखें तो एक और चीज जुड़ती है और वो ये कि अंबेडकर नगर राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली भी है। इस इलाके में मायावती का सिक्का चलता है और माना जाता है कि वो सबसे बड़ा गढ़ है। यही वजह है कि बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता सुरक्षित सीट खत्म होने के बावजूद यहां से उन्हें बतौर लोकसभा उम्मीदवार चाहते हैं। दलित चेतना के उभार का प्रतीक है अंबेडकर नगर, मायावती की पहचान और रणभूमि भी है अंबेडकर नगर। तो आइए जानते हैं कि बदले सियासी और चुनावी माहौल में क्या कहता है ये शहर, ये जिला। अंबेडकर नगर के अपने इस दौरे में हम एक खास मंदिर पर रुके जो अपने आप में भारत माता का मंदिर जैसा है। ये पूरा का पूरा मंदिर तिरंगे जैसा है, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा ये मंदिर है। और इस मंदिर की एक और खासियत है और वो ये है कि इस मंदिर को पूर्ण जीर्णोद्धार बरकत अली ने कराया है, यानी कि एक मुस्लिम ने इस मंदिर को न सिर्फ दोबारा से बनवाया बल्कि इसे तिरंगे का रूप दिया है। अंबेडकर नगर धर्मनिरपेक्षता की मिसाल के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ ऐसे मदरसे हैं जहाँ बंदे मातरम होते हैं। हम जब इस मंदिर पे रुके हैं तो यहाँ पे कई सारे लोग भी हैं इस वक्त हमारे साथ खड़े। ये बताइए कि ये मंदिर आपने इसको फिर से बनवाया, पुनरुद्धार करवाया, बरकत अली नाम भी लिखा है, हरा सफ़ेद और तिरंगे का कलर हमें इसमें दिखाई दे रहा है, ये क्यों किया? ये हम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये काम हमने किया है। पूरे राष्ट्र में इसका एक मैसेज जाए कि हम लोगों को बांटे ना, हम लोग सब एक हैं। चुनाव में नेता लोग ये जातिवाद की राजनीति करते हैं कि हम यादव हैं, हम मुस्लिम हैं, हम दलित हैं। ये राजनीति छोड़ के टोटल विकास पे काम करें। इस तरह के मंदिर, इस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के मंदिर देखने में बहुत कम मिलते हैं। ये बताइए कि इस बार चुनाव अब बस 2 महीने बचे हैं, क्या लगता है इस बार किधर रहेगा मिजाज? मायावती जी का ये गढ़ है, हम लोग तो इसी में रहते हैं। अच्छा, हाँ बहन जी। हाँ बहन जी, हमारे लिए बहुत है। बहन जी ने क्या क्या दिया? बहुत कुछ दिया, यहाँ पे जिला भी दिया, सब चीज यहाँ बनवाया, कोई नेता नहीं किया जितना वो कर दी। आपको भी लगता है बहन जी ने क्या काम किया है? हाँ, बहुत काम। तो ये क्या बीएसपी का गढ़ है, इलाका है? हाँ। तो फिर वोट किसको जाएगा? मायावती। हाँ, वोट नहीं जाए मायावती का। मोदी जी ने कुछ किया कि नहीं?
अब हमारे सबके लिए तो कौनो चीज ना की है फार्म भरे घर की ताई कॉलोनी खाती मिलबन की है गैस सिलेंडर उज्ज्वला ये सब मिला गैस सिलेंडर खाली मिला है एक शौचालय मिला शौचालय मिला पैसों मिला भाई खाली दुविधाएं मिला इस समय यहाँ पे अम्बेडकर नगर विकास के नाम पे तो बसपा ही ठीक रहेगी मायावती जी ने बहुत कुछ दिया है अम्बेडकर नगर जिले को सबसे बढ़िया है बसपा ने सर यहाँ सब कुछ दिया है पिछले 70 साल से अब तक कोई कुछ नहीं किया सब जिला बनाया जिला के जितनी सारी व्यवस्था था मानक के अनुसार कचहरी दिया अम्बेडकर नगर की सीट बीएसपी की परंपरागत सीट बन गई थी यहाँ से मायावती 4 बार सांसद रही लेकिन पिछली बार मोदी लहर में ये सीट बीजेपी की झोली में चली गई लेकिन इस बार एसपी और बीएसपी के साथ चुनाव लड़ने से मायावती के प्रशंसकों और समर्थकों में नई जान आ गई है उम्मीद यही है कि गठबंधन में ये सीट बीएसपी को ही मिलेगी लेकिन क्या इससे बीएसपी का रास्ता आसान होता दिखता है अंबेडकर नगर की सियासी पहचान भले ही मायावती से हो लेकिन अंबेडकर नगर की सबसे बड़ी धार्मिक पहचान ये शिव बाबा मंदिर है अंबेडकर नगर में घुसते ही यह मंदिर बाएं हाथ पड़ता है और शायद ही कोई ऐसा सियासतदान हो जो यहाँ ना आता हो कहते हैं कि यहीं से हर किसी की शुरुआत होती है चाहे प्रधानमंत्री हो राहुल गांधी हो मायावती हो या फिर अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह सभी लोग इस मंदिर में मत्था टेकते रहे हैं इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ शिव बाबा जो कि एक शिव के भक्त थे उन्होंने यहाँ धुनी रमाई थी 300 साल ये पुराना मंदिर है और कहते हैं कि यहाँ जिसकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ इस तरह के घंट टांग जाता है ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो लोग अपनी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत अवश्य पूरी होती है वृक्ष है इसी की पूजा जो है आज लगभग 300 वर्ष से जलाए गए थे इसी की लकड़ी जो जलाए गए थे बरगद की लकड़ी से वही जो फिर कुछ दिन के बाद वही वृक्ष वही बरगद निकला वही वृक्ष है बहुत पुराना 8-7 पुष्ट बीत गया क्या है मन्नत के लिए है क्या हाँ साहब सब मन्नत के लिए है जिसकी मन्नत पूरी होती है वो घंटा घंटा टांगता है कथा भागवत सुनता है यहाँ कथा भागवत होता है बराबर यहाँ नेता सारे नेता यहाँ आते हैं आगे चले गए आते भी हैं नेता और चले भी गए मायावती राहुल गांधी मोदी तक यहाँ पे आए थे दर्शन करने के लिए यहाँ और जो जिला मायावती भी आई थी अम्बेडकर मायावती ने यहाँ वहाँ आई थी और इसके बाद चली गई यहाँ दर्शन नहीं किया तीसरे दिन वो पद से ही हट गई मुख्यमंत्री पद से ही हट गई साहब इस शिव मंदिर का 300 साल पुराना इतिहास है तो इस इलाके की एक पहचान मायावती से भी बनी लेकिन इस सबसे पुरातन मंदिर में आते जाते लोग क्या सोचते हैं ये भी सुन लीजिए महागठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है ये सारे चोर लोग इकट्ठा हो रहे हैं जितने सब लूटे उटे हैं जिनके खिलाफ जांच हो रही है ये सब इकट्ठा हो रहे हैं कि हम जांच नहीं होने देंगे किसी भी प्रकार से हम क्यों महागठबंधन से क्यों नहीं फायदा है सब एक साथ मिल रहे हैं सब लोग यही तो कारण है पब्लिक को समझने का ऐसा क्यों हो रहा है सब एक साथ क्यों हो रही है एक अकेला वो हो रहा है मोदी अकेला है बाकी सब के लिए एक को मारने के लिए सत को मारने के लिए लाख झूठ बोलिए लेकिन जब सत आता है जहाँ पर वो ऐसे जैसे स्वर्ण का खंभ खड़ा होता है वो अटल है नहीं लेकिन ये तो माया ये तो मायावती का इलाका है ना यहाँ तो मायावती यहाँ से जीतती रही आप लोगों को लगता है कि मायावती करेंगे मायावती का इलाका है सर मायावती यहाँ तक दर्शन नहीं किए सब कटवा के झाड़ जितना था सब कटवा के चली गई जो है किसकी तरफ रहेगा जी सर अब की भी बीजेपी ही जाएगा हम लोग का यही उम्मीद है बस भाजपा ही चलेगा सर बीजेपी चलेगी यहाँ पे जी ये गठबंधन नहीं चलेगा गठबंधन बिल्कुल नहीं चलेगी अगर एक तरफ दलितों की बस्ती में भारत माता का मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार किसी मुसलमान ने करवाया तो उसी ने एक ऐसा मदरसा भी खोल रखा है जहां बच्चे राष्ट्रगीत गाते हुए देखे जा सकते हैं Hey!
उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर खूब राजनीति हुई, लेकिन जब हम अंबेडकर नगर आए तो यहाँ एक प्राइवेट तौर पर चलने वाला मदरसा मिला। इस मदरसे में बच्चे वंदे मातरम गाते हुए मिले। वंदे मातरम और राष्ट्रगान की वजह से नहीं गाने की वजह से कई मदरसों को बकायदा उनका रजिस्ट्रेशन ख़त्म किया गया। लेकिन मदरसा फैजाने गरीब नवाज, ये ऐसा मदरसा हमें मिला यहाँ पर जो न सिर्फ तिरंगे में रंगा हुआ है बल्कि यहाँ के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर वंदे मातरम का की धुन, वंदे मातरम का गीत सुनाई देता है। तो मायावती का बनाया हुआ क्षेत्र कई मायनों में अनूठा दिख रहा है। हमारे यहाँ हिंदू टीचर भी हैं, मुस्लिम टीचर भी, हिंदू बच्चे भी, मुस्लिम बच्चे भी हैं। टोटल ये एकता की जो है हिसाब से हम स्कूल चला रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर विरोध नहीं होता कम्युनिटी में, समुदाय में, क्योंकि वंदे मातरम का विरोध तो मदरसों में या हर जगह दिखता है? यहाँ नहीं जी, हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है। आप लोग को ठीक लगता है, अच्छा लगता है ये? हाँ, अच्छा है, बढ़िया सर। आप बताइए क्या कहेंगे? जी, हम लोग को कोई विरोध नहीं है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हम ही लोग विरोध करेंगे तो फिर बच्चों को क्या बताया जाएगा। हम लोग को यहाँ किसी भी चीज़ का कोई, यहाँ हम हिंदी भी पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, हर चीज़ यहाँ पढ़ाई जाती है। और वंदे मातरम भी सिखाती हैं? जी, वंदे मातरम भी सिखाते हैं। भक्ति और देशभक्ति के नजारों के बीच हम पहुंचे इस जिले के सबसे बड़े दलित गांव मजगावा में। यहां लोगों की जुबान मायावती से अपनी पहचान बनाती है। पिछले 4.5 साल में मोदी सरकार ने कई सरकारी योजनाओं का ऐलान किया, तो सवाल है कि दलितों की इस बस्ती तक पहुंचा क्या? जवाब उनसे ही सुनिए। अंबेडकर नगर के यरकी मजगावा गांव में हम हैं। ये दलित बहुल, पिछड़ा बहुल गांव है और सबसे बड़ा इस इलाके का गांव है। हम आपको दिखा दें, इस स्कूल में बकायदा भीमराव अंबेडकर की बड़ी प्रतिमा है और बहुजन समाज पार्टी का एक तरीके से कह सकते हैं गढ़ है। प्रधानमंत्री की योजनाएं कई जगहों पर दिख रही हैं, लेकिन लोग यहां पर उनकी योजनाओं से महरूम हैं, ऐसा उनका दावा है। इस गांव के ढेर सारे लोग इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं और इस तरफ महिलाएँ हैं और ये सबसे बड़ा दलितों का गाँव हम कह सकते हैं। कि ये बताइए कि इस इलाके में पहुँची हैं प्रधानमंत्री की योजनाएँ? कहाँ तक कुछ नहीं पहुँची अभी, कुछ नहीं। आपकी जब से योगी सरकार हुई है यहाँ एक हफ्ते कॉलोनी नहीं आई है। शौचालय, सिलेंडर, शौचालय मतलब 80 आया बस। आप लोगों को कुछ मिला है? कुछ ना साहब, ना राशन मिले, ना घर द्वार, कुछ मिलबे ना, किन बा ना चल के गांव देख लिया जाए। तो प्रधानमंत्री ने की योजना है कि शौचालय, घर, पेंशन, ये सब चीजें नहीं आई? नहीं साहब। मायावती ने अपने मुख्यमंत्री रहते इस जिले का नाम अकबरपुर से बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया था, तो वहीं इस पिछड़े जिले को एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी दिया। मायावती ने अंबेडकर नगर को बहुत कुछ दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है, साथ साथ इस शहर के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मायावती ने अपने कार्यकाल में दिए। लेकिन जिस राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर की का बोर्ड दिखाई देता है, कभी इसका नाम कांसीराम इंजीनियरिंग कॉलेज था, जिसे सपा शासन में बदल दिया गया। लेकिन स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि अंबेडकर नगर को सब कुछ देने वाली मायावती ही हैं। लेकिन सवाल है कि रोजी रोटी का क्या? यहाँ की लुंगी और गमछा पूरे देश में मशहूर है, लेकिन यहाँ काम करने वाले कारीगर मानते हैं कि बदलते आर्थिक हालात उनकी कमर तोड़ रहे हैं। किसी ने नहीं दिया, अखिलेश ने आया, वही 70 रुपए में किया। मुलायम सिंह ने जो फिक्स रेट की थी बिजली, वही किया। और बुनकर के लिए कोई सरकार कोई काम नहीं किया। हम लोगों का कारोबार दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। ये बताइए, मोदी सरकार में कुछ फायदा मिला? कोई फायदा हमें नहीं मिला। हम लोग का कारोबार और खराब हो गया जब से मोदी सरकार आई और योगी सरकार आई, ये दोनों सरकारें मिलके, तो हम लोगों का और कारोबार खराब हो गया है। नोटबंदी से, GST से, पहले तो कुछ हो जाता था, लेकिन अब तो इतनी हालत खराब, देखो कितने बड़े और कारखाने बंद पड़े हैं, लूम बंद पड़े हैं। यहाँ दलितों की बहुतायत है तो मुसलमानों की भी, ये निर्णायक भूमिका में है और इनमें अगर पिछड़ों का भी वोट जुड़ जाए तो फिर गठबंधन से लड़ना कठिन हो जाएगा। देखा जाए तो ये इलाका अंबेडकर और लोहिया के सामाजिक और राजनीतिक केमिस्ट्री की प्रयोगशाला है। यहीं पर लोहिया का जन्म भी हुआ था, लेकिन लोहिया के गाँव घर का क्या है हाल?
उत्तर प्रदेश में अंबेडकर की सियासत की वारिस होने का दावा करने वाली मायावती और लोहिया की राजनीति के दावेदार अखिलेश यादव ने हाथ तो मिला लिए, लेकिन जिस जिले में दबदबा माया का है वहीं भारत में गैर कांग्रेसी राजनीति के पुरोधा राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था, लेकिन आज उनका घर बेगाना सा है, सूना सा है। परिवार वालों की माली हालत बेहद खराब है। समाजवाद के पुरोधा और देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का नाम शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता हो, लेकिन राम मनोहर लोहिया अंबेडकर नगर के इसी घर में उनका जन्म हुआ, यहीं पले बढ़े, यहीं उनका बचपन गुजरा और आज भी उनकी पीढ़ियां यहां रहती है, उनका परिवार रहता है, ये कम ही लोगों को मालूम है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से समाजवाद के जो सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़ा नाम, उनके घर की हालत क्या है। आप लोग सब उनके परिवार से हैं? हाँ, सब परिवार से भैया। वो जो हमारे बाबा हैं उनकी हम लोग पोती हैं। कितने परिवार लोग रहते हैं यहाँ? अरे हमारा परिवार जो 30-35-40 लोग थे, बड़ा परिवार हमारा है। तो राम मनोहर लोहिया जी का जन्म यही हुआ था? हाँ, जन्म यही हुआ था, पालन पोषण यहाँ पर हुआ था। अच्छा। हाँ, वही जो माता जी जानती होंगी। हाँ। अब जो है नहीं, उनका तबीयत ठीक है बाबू का। अब चुनावी हवा चल रही है तो उत्तर प्रदेश का ये इलाका भी हवा की आहट को भापने में जुटा है और ये देखने में भी कि उम्मीदों का ऊंट किस करवट बैठता है।